तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी पहले गाड़ी बहुत स्लो चल रहा था, अभी थोड़ा स्पीड से चलता है गाड़ी, आप देख सकते हैं। क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था, क्योंकि जब रोलिंग हो रहा था तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाया जा रहा था। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा है मालगाड़ी का, आप देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन शुरू होने से पहले अभी भी कितना काम बाकी है, वर्कर अभी भी कितना सारा लगा हुआ है, क्योंकि लाइन को अभी भी पैकिंग का काम चल रहा है लाइन का। और जो ये मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये नाला का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चल रहा है, क्योंकि ये काम भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ट्रेन चलेगा फिर भी साइड का काम थोड़ा बहुत रह जाएगा। और आप आगे देख सकते हैं कि ट्रेन तो चलने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन काम कितने ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे वर्कर हैं जो अभी भी लगे हुए हैं। और ये है हमारा अंकल को पूछते हैं कितना टाइम लग जाएगा गाड़ी चलने में, आपको क्या लगता है? 22 तारीख को चलेगा ट्रेन। तो कंफर्म है क्या? कंफर्म। ठीक है, थैंक यू। देखिए दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे बस्ता बिछाया जा रहा है। और ये देखिए, क्योंकि पानी इसमें एब्जॉर्ब होता है, तो आप अभी भी देख सकते हैं कि ऊपर कितना सारा वर्कर लगा हुआ है। ये देखिए कैसे काम चल रहा है। ये जो आप पूरा पहाड़ देख रहे हैं ना, इसमें पूरा ये जो आप बस्ता देखिए पूरा बिछेगा, ये कपड़ा पूरा बिछेगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गड्ढा है इसको फिलिंग किया जा रहा है। और ये है ब्रिज, और यहाँ से पानी पास होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक गड्ढा दिख रहा है वो वही जगह फिलिंग होगा, इसलिए यहाँ पे कटिंग हो रहा है, देखिए जेसीबी प्रॉब्लम से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल्डर डाला जा रहा है, क्योंकि वो साइड में फिलिंग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी भी ये सिंगल इंजन आया है, तो अभी भी रोलिंग चल रहा है। यहाँ पे पैकिंग का भी काम हो रहा है और रोलिंग भी चल रहा है, क्योंकि गाड़ी बहुत जल्दी चलाना है, इसलिए हम ये देख सकते हैं आप, इंजन से अभी भी रोलिंग किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बोल्डर डंपिंग हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे नाला का साइड में जो गैपिंग है उसको फिलअप करना है, इसलिए ये डंपिंग किया जा रहा है। तो जेसीबी से इसको फिलअप करेंगे, तो आप देख सकते हैं मेरे आगे। और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे फिलअप हुआ है, ठीक वैसे ही उस साइड में भी फिलअप होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेन भी देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए बहुत, ये आप देखिए। यहाँ पे इसमें लाइन को लेके जा रहा है ये गुज ट्रेन, ज़्यादा डब्बा तो नहीं है इसमें, ये देखिए। दोस्तों यहाँ से मिट्टी लोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं डंपर में। तो ये लोडिंग हो के वहाँ पे जाएगा जो आपको दिखाया था पहले, वो नाले का साइड में, वो वहाँ पे फिलिंग करना है। अभी हुआ है लंच टाइम, तो लंच टाइम में आप देख सकते हैं कितने सारे वर्कर हैं
जो अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो कितना सारा वर्कर यहाँ पे, मैं आपको ये 3 नंबर एरिया का व्यूज़ दिखा रहा हूँ, तो कितना सारा वर्कर यहाँ पे अभी भी नॉनस्टॉप काम कर रहा है, क्योंकि लाइन पैकिंग का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि 22 और 23 से ट्रेन चलाना है जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो ये देख सकते हैं आप कितना सारा वर्कर लगा हुआ है। दाल है, थोड़ा चिकन है, उसके बाद कुकुम्बर है, प्याज है, और थोड़ा सा और क्या है भाई, और कुछ नहीं, और नींबू है, गरम दाल है, गरम दाल है, बस हो गया। ये देखिए और एक थाली आ गया यहाँ पर, तो चलिए खाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम। स्पेशल ट्रेन अभी जा रही है, देख सकते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज सारा दिन में मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा धूप था और इतना ज़्यादा गर्मी था कि मैं मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को। और जैसे कि आपने देखा कि वीडियो में कि यहाँ पे इतना सारे मालगाड़ी और इतना सारे गुड्स ट्रेन, दो एक स्पेशल ट्रेन भी चलाया जा रहा है, तो आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी एक गुड्स ट्रेन आया है, तो वो भी मतलब रोलिंग चल ही रहा है यहाँ पर। और सभी लोग बोल रहे हैं और रेलवे के डिपार्टमेंट भी बोल रहे हैं, क्योंकि नोटिस भी दिया था आप लोगों ने देखा था जैसे कि 22 तारीख से गाड़ी चलने का बात है, तो फिर देखते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है और मैं भी आप लोगों की तरफ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब गाड़ी चलेगा और उसका फुटेज मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो वही आज भी थोड़ा साइड का काम आप लोगों को दिखाया, और वही मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल आज मोनेटाइज हुआ है, तो आप सभी को, मेरे दोस्त भी है और मेरे जितने चाहने वाले हैं, और अभी आप सभी लोगों का मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी लोगों का अगर सपोर्ट नहीं होता तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। तो थैंक यू सो मच दिल से आप सभी लोगों को, और मेरे आज आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे करते रहना, बस वही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, और मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे फिर कल नए एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।